आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि इंस्टाग्राम के डीपी पर आप अपना फुल फोटो कैसे लगा सकते हैं। जैसे कि आपको पता है कि वहां पे फुल फोटो लगाना चाहते हैं इंस्टाग्राम के प्रोफाइल पे तो क्रॉप मांगता है, जिससे कि आप हाफ ही फोटो लगा सकते हैं। इस वीडियो में जो मैं तरीका बताऊंगा 100% अभी लाइव में दिखाऊंगा कि आप फुल फोटो कैसे लगा सकते हैं इंस्टाग्राम के प्रोफाइल पे। तो ये वीडियो एंड्रॉयड और आईफोन के लिए है, तो आप इस वीडियो को ध्यान से देखते रहिए। उससे पहले मैं बता दूं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ताकि ऐसे ही आपको हेल्पफुल वीडियो देखने को मिलती रहे। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते थे। यहाँ पर देख सकते हैं मेरे पास फोन है, इस फोन का स्क्रीन मैं यहाँ पर लगाऊंगा ताकि आप सब आसानी से समझ सके। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे हम सबसे पहले इसका मैं स्क्रीन रिकॉर्डिंग स्टार्ट करता हूँ इस मोबाइल का, और यहाँ पर इसको मैं शेयर करूंगा तो आप आसानी से देख सकते हैं। स्क्रीन रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गया। अब हम यहाँ पर इंस्टाग्राम एप्लीकेशन को ओपन करेंगे। जैसे हम इंस्टाग्राम एप्लीकेशन को ओपन करते हैं तो यहाँ पर आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। आपको यहाँ पर प्रोफाइल वाले ऑप्शन पर आना है, और उसके बाद यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा एडिट प्रोफाइल, आपको इस पर क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक कीजिएगा यहाँ पर चेंज प्रोफाइल फोटो का ऑप्शन आ रहा है, आपको इस पर क्लिक करना है। और यहाँ से गैलरी से आप कोई भी रैंडम फोटो उठा सकते हैं, तो मैं आपको पहले लगाकर दिखाता हूँ। तो यहाँ पर हमने एक फोटो को चूज किया और देख सकते हैं यहाँ पर ये पूरा फुल फोटो है। मैं यहाँ पर दिखाता हूँ तो ये पूरा फुल फोटो है, लेकिन इसको हम लगा रहे हैं तो फुल फोटो नहीं लग रहा है, यहाँ पर क्रॉप मांग रहा है। या तो आप ऊपर से पूरा ले सकते हैं या फिर नीचे का पूरा ले सकते हैं, तो अपने हिसाब से चूज कर सकते हैं। लेकिन हम बात करते हैं कि फुल फोटो हमको लगाना है इंस्टाग्राम के डीपी पे, तो कैसे लगाएंगे। तो आप इसके लिए आपको एक एप्लीकेशन डाउनलोड करना होगा, वीडियो को डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं आप उस एप्लीकेशन का काम क्या है। यहाँ पर एप्लीकेशन को हम ओपन करेंगे, एप्लीकेशन को ओपन करेंगे। जैसे एप्लीकेशन को ओपन कीजिएगा आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस देखने को आपको मिलेगा। तो यहाँ पर सबसे नीचे एडिट का ऑप्शन आ रहा है, आपको इस पर क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक कीजिएगा आपके यहाँ गैलरी ओपन हो जाएगा, तो अपने गैलरी से उस फोटो को चूज कीजिए जो आप इंस्टाग्राम प्रोफाइल पर फुल फोटो लगाना चाह रहे हैं। तो चलिए मैं यहाँ पर चूज कर लेता हूँ। तो देख सकते हैं यही वो फोटो था जो कि हम इंस्टाग्राम पर लगा रहे थे तो क्रॉप मांग रहा था, लेकिन अभी यहाँ पर मैं इससे लाइव आपको दिखाऊंगा कि इंस्टाग्राम पे आप फुल फोटो कैसे लगा सकते हैं डीपी पे इंस्टाग्राम का। तो यहाँ पर फोटो आने के बाद आपको क्या करना होगा, यहाँ पर स्टार के बगल में एक आइकन दिखाई दे रहा है, ये आइकन आपको नहीं दिखाई दे रहा तो मैं यहाँ पर तीर लगाऊंगा, जिससे कि आप आसानी से समझ पाएंगे। तो इस आइकन पर क्लिक करेंगे, उसके बाद आपको यहाँ पर एक ब्लर का ऑप्शन मिलेगा। इसके लिए भी मैंने तीर लगा रखा था कि आप सभी को समझने में आसानी हो। जैसे ब्लर पर क्लिक कीजिएगा आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। अब आपको सबसे ऊपर शेयर का ऑप्शन मिल रहा है, आपको इस पर क्लिक करना है। अगर आप चाहें तो यहीं से डायरेक्ट आप इंस्टाग्राम प्रोफाइल पे इस फोटो को शेयर कर सकते हैं अपने, लेकिन हम बात करते हैं इसके लिए आपको इंस्टाग्राम का आईडी पासवर्ड लॉग इन करना पड़ेगा। पता नहीं एप्लीकेशन सिक्योर है नहीं है, तो कुछ भी हो सकता है, तो हम वो रिस्क नहीं लेंगे। यहाँ पर हम सबसे पहले फर्स्ट में जो ऑप्शन आ रहा है इस पर हम क्लिक करेंगे और ये आपके गैलरी में फोटो डाउनलोड हो जाएगा। उसके बाद इस एप्लीकेशन का काम खत्म हो गया। अगर चाहें तो आप रख सकते हैं, अनइंस्टॉल कर सकते हैं, आपकी मर्जी है। फिर हम बात करते हैं अब इंस्टाग्राम एप्लीकेशन पर हम आएंगे, और जैसा कि हमने बताया था कि पूरा लाइव मैं यहाँ पर दिखाऊंगा प्रोफाइल फोटो फुल लगाकर। तो यहाँ पर चेंज प्रोफाइल पर क्लिक करूंगा और उस फोटो को चूज करूंगा जो हम लगाना चाह रहे हैं। देख सकते हैं यहाँ पे पूरा फुल फोटो आ गया, और यहाँ पर हम एरो पे क्लिक करेंगे और सेव पर क्लिक करेंगे। लाइव आपके सामने मैं दिखा रहा हूँ, और यहाँ पर इंस्टाग्राम के प्रोफाइल पर मेरा फुल फोटो लग गया। तो आप इस वीडियो को ध्यान से देखते रहिए, अभी यहाँ पर लोडिंग हो रहा है, कुछ सेकंड की बात है, उसके बाद ऑटोमेटिक ये जो है कि शेयर हो जाएगा। तो अभी जो है कि हम यहाँ पर रिफ्रेश कर लेते हैं और देखेंगे तो यहाँ पर इंस्टाग्राम के प्रोफाइल पे